सो व्हाट्स अप गेमर्स, क्या हाल है सभी का। सो गाइस उम्मीद करता हूँ सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइस हमारे VGMI में फाइनली एक ऐसा इवेंट आ चुका है जिसके अंदर हमें बिल्कुल फ्री में एक लॉबी यहाँ पर देखने को मिल रही है बिना कुछ करे। सिर्फ यहाँ पर आपको लॉगिन करनी है और यहाँ पर आपको लॉबी मिल जाएगी। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर 10 यूसी का स्पिन यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर छोटा वाला टोकन निकला है, तो चलो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो अब चलते हैं गाइस यहाँ पर इवेंट की ओर। तो इवेंट में चलते हैं और गाइस यहाँ पर आपको दिख जाएगा BGMI BMPS लॉबी। और गाइस इस इवेंट में सिर्फ यहाँ पर आपको लॉगिन करना है और गाइस कुछ भी यहाँ पर आपको नहीं करना है। फर्स्ट डे पे गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें लॉबी मिल रही है। तो इसको गाइस हम सबसे पहले यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर आपको यूज़ करके दिखा दूंगा ताकि यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कैसे यहाँ पर आपकी लॉबी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो कलेक्ट करते हैं इसको और इसको इक्विप भी यहाँ पर कर लेते हैं और कट करते हैं इसको। तो देख सकते हो ये वाली लॉबी गाइस बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। और गाइस ये मतलब कि कम दिनों के लिए नहीं मिलने वाली है, ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 43 का इस डेज के यहाँ लिए यहाँ पर आपको ये वाली लॉबी मिलने वाली है। सब कुछ मैंने कैलकुलेट किया है तो 43 डेज यहाँ पर हो रहे थे। सिर्फ गाइस यहाँ पर आपको 7 डे लॉगिन करना है और पर डे गाइस यहाँ पर आपको लॉबी थीम यहाँ पर मिलती हुई चली जाएगी। और सबको मिला गया यहाँ पर 43 डे के लिए यहाँ पर आपको लॉबी मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। कम से कम हमें आप बिल्कुल फ्री में मिल रही है। जो इवेंट्स होती है वहाँ से हम ले सकते थे लॉबी, बट उसमें हमें यहाँ पर टोकन देने पड़ रहे थे। बट यहाँ पर सिर्फ आपको लॉगिन करना है और आपको लॉबी थीम देखने को मिल जाएगी। और नीचे की साइड यहाँ पर आप देख सकते हो ज़्यादा डे के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर कैलकुलेट यहाँ पर कर लिया था, 43 डेज यहाँ पर आपके हो रहे थे पूरे के पूरे। उसके अलावा चलो गाइस अब यहाँ पर एक सूट के स्पिन में भी यहाँ पर चलते हैं। तो इसमें भी हम यहाँ पर 10 यूसी का लेख हमारे यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं हमें यहाँ पर 10 यूसी में कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो करते हैं यहाँ पर 10 यूसी का स्पिन। तो दो टोकन हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। तो पता नहीं भाई मतलब क्या गिलीच है, मतलब पहले यहाँ पर पता चल जाता है आपको क्या चीज़ यहाँ पर मिलने वाली है। ऊपर की साइड यहाँ पर टोकन इंक्रीज हो जाते हैं अगर यहाँ पर आपको टोकन मिलते हैं तो। और 6 टोकन में तो यहाँ पर सिर्फ मैं टाइम लिमिटेड चीज़ ले सकता हूँ तो जो कि मैं यहाँ पर नहीं लेने वाला, क्योंकि इस टाइम पर मैं इसको अपग्रेड ही नहीं कर रहा हूँ। तो टाइम लिमिटेड लेने का क्या ही मतलब बनता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 3.4 अपडेट के एक नई यहाँ पर आपको पिस्टल देखने को मिल जाएगी, जो कि कैसे यहाँ पर आप दोनों हाथों में यहाँ पर पकड़ने वाले हो, मतलब कि क्या ही यहाँ पर फील आने वाला है सोच सकते हो आप। बट यहाँ पर पिस्टल कैटेगरी के तो गाइस उसका डैमेज थोड़ा यहाँ पर कम होगा। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एक नया व्हीकल भी यहाँ पर आ चुका है। तो पिस्टल को तो गाइस यहाँ पर आपको ट्राई करके दिखा दूंगा, बट व्हीकल तो मेरे को यहाँ पर अभी तक यहाँ पर नहीं मिला गेम में कि किस जगह यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर आप व्हीकल का लुक तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलो गाइस यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट यहाँ पर कर लेते हैं हमारा। और देख सकते हो ये रही हमारी नई वाली गन। और देख सकते हो दोनों हाथों में कुछ इस टाइप का यहाँ पर ये लगने वाली है, ड्यूएल MP7 इस गन का यहाँ पर नाम होने वाला है। बाकी यहाँ पर ये वाली गन का जो आइकन है ना, तो थोड़ा सा मतलब कि ऊजी टाइप का यहाँ पर लग रहा है, जो हमारी पुरानी ऊजी थी ना तो कुछ इस टाइप के यहाँ पर देखने को मिलती थी आपको। बाकी देख सकते हो दोनों हाथों में कुछ इस टाइप के यहाँ पर आपको चलते हुए दिख जाएगी वाली गन। बाकी रिलोड मतलब कि एक ही गन को करता है बारी बारी से, वो भी हम यहाँ पर आपको दिखेंगे अभी। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसका रिलोड होने वाला है। तो मतलब कि आप दो यहाँ पर वेपन रख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर पिस्टल कैटेगरी की है तो थर्ड वेपन का हिसाब इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि दो गन एक साथ चल रही है तो इसका डैमेज मतलब कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो जाएगा उस टाइम पे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल टारगेट पर शूट कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा अलग अलग यहाँ पर जा रही है गन की एमो, कभी कभी यहाँ पर बीच में भी लग रही है बट पता नहीं मतलब कि दो अलग अलग गन है तो मतलब कि अलग अलग जा रही है एमो। बाकी अंदर रखने के बाद कुछ इस टाइप की देखने को मिलने वाली है आपको, तो ये भी ठीक ठाक है। उसके अलावा इस कल के दिन कैसे यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर कैसे यहाँ पर मैंने ये वाले टावर को एक्टिवेट किया था, बट इसमें से मैं यहाँ कुछ भी लूट देखने को नहीं मिली थी। तो आज के दिन कैसे फिर से मैंने इसको यहाँ पर एक्टिवेट यहाँ पर कर दिया है। तो देखते हैं आज के दिन हमें यहाँ पर इसमें कुछ लूट मिलती है कि नहीं मिलती है। और फाइनली यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ चुका है, तो ओपन इसको कर लेते हैं। और देख सकते हो इसके अंदर कैसे काफ़ी अच्छी लूट आपको देखने को मिल जाएगी। तो AMR की स्किन मिल चुकी है, स्किन क्या मतलब गन मिल चुकी है। बाकी यहाँ पर आपको 100 टोकन भी यहाँ पर मिल चुके हैं जो कि शॉप के होने वाले हैं, और यहाँ पर नॉर्मल टोकन नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ इसे क्या क्या यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट में तो मतलब कि मेरा वेस्ट यहाँ पर चला गया था पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पर मैंने वीडियो ही यहाँ पर पोस्ट कर दी थी, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था मैंने, परचेज करके अपने आप को किल कर लिया था। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर मेरे को यहाँ पर वीडियो बनानी पड़ रही क्योंकि यहाँ पर वीडियो पोस्ट कर दी थी मैंने उसके अंदर। और कैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर देख सकते हो एरिया के अंदर यहाँ पर 2 बंदे यहाँ पर दिखा रहे हैं,
तो सच में मतलब कि जिस जगह पे गाइस यहाँ पर ये लोकेशन होगी ना, तो मतलब कि स्टार्टिंग में आपको ये वाला कैप्सूल देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा, जिसको यहाँ पर आप सीधा ओपन कर पाओ। यहाँ पर आपको मैप में थोड़ी देर बाद में मतलब कि आपको मार्क देखने को मिल जाएगा उसका, तो उस टाइम पर जाके गाइस उसको यहाँ पर आप एक्टिवेट कर सकते हो। बाकी इस बंदे को यहाँ पर मैंने किल कर लिया बोट को, तो यहाँ पर देख सकते हो एरिया में सिर्फ एक बंदा यहाँ पर रह चुका है, फिर से यहाँ पर दो हो चुके हैं। और देख सकते हो इसमें भी यहाँ पर आपको सेम रूट देखने को मिल जाएगी। इस बार हमें यहाँ पर ग्रोजा मिली है, मतलब कि ड्रॉप की अंदर इसके अंदर यहाँ पर मिलने वाली है लेवल 3 चीज़ों के साथ में। और उसके बाद चलो यहाँ पर शॉप में यहाँ पर चले जाते हैं। और अगर फर्स्ट वाली चीज़ यहाँ पर परचेज करके देखी थी, कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर दो रिस्पॉन यहाँ पर कार्ड यहाँ पर परचेस कर लिए हैं, और दोनों यहाँ पर मेरी इन्वेंट्री में आ चुके हैं। और गाइस दोनों गाइस यहाँ पर अलग अलग गाइस यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, तो एक बार गाइस यहाँ पर आपको मैं किल होकर दिखा देता हूँ। देख सकते हो फर्स्ट बार यहाँ पर किल हुआ और ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैं रिस्पॉन हो चुका हूँ। और गाइस ऐसा नहीं कि मतलब कि मैं वो कासर वाले लोकेशन में जाके आऊँ तब जाके यहाँ पर मेरे को मिला है, सीधा मैंने यहाँ पर परचेस किया इसको। और देख सकते हो गाइस यहाँ पर एक और यहाँ पर रिस्पॉन कार्ड है मेरे पास अभी। तो अगर यहाँ पर आप ज़्यादा टोकन होंगे ना, तो गाइस यहाँ पर आप ज़्यादा यहाँ पर रिकॉल टोकन भी आप मतलब कि रिकॉल कार्ड होते हैं ना, उसको गाइस यहाँ पर आप खरीद सकते हो। बाकी अगर यहाँ पर मैं कासल पे जाऊँगा ना गाइस में, तो यहाँ पर मेरे को एक और गाइस यहाँ पर जो रिकॉल कार्ड है ना यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से गाइस यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। तो चलो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।